हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में पी एक्स ये दिया हुआ है और जी एक्स ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम इसका ये थर्ड पार्ट। पी एक्स कितना है हमारे पास, देखो ये एक्स फोर माइनस में फाइव एक्स प्लस का सिक्स है, ठीक है जी। ये है पी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस पी एक्स को अरेंज करते हैं पहले, तो देखो इसको हम करेंगे कैसे। देखो ये एक्स फोर है, फिर हमें एक्स थ्री भी चाहिए, तो हम लिख देते हैं जी प्लस का जीरो एक्स थ्री, और यहाँ तो स्क्वेयर भी नहीं है तो ज़ीरो एक्स स्क्वेयर लिख देंगे, और माइनस का फाइव एक्स और प्लस का सिक्स, ये है डिटेल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है ना। जी एक्स, जी एक्स कितना है हमारे पास, टू माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो जब भी ये जो जी एक्स है ना, इसको बस आपको ऐसे अरेंज करना है जैसे ये एक्स स्क्वेयर पहले आएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वेयर, क्योंकि जो ये नंबर होता है जो भी है आपके पास, जैसे ये एक्स है, ठीक है, इसके साथ जो साइन है वो इसका है, तो माइनस साथ में आएगा, ठीक है ना। जैसे ये टू है, इसका साइन प्लस का है, तो ये प्लस का टू, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये स्क्वेयर है तो ज़ीरो एक्स क्यों नहीं लिखा, तो जिससे डिवाइड करते हैं ना हम, उसमें ज़रूरत नहीं होती ये ज़ीरो वाली टर्म्स लिखने की, ठीक है। बस उसको अरेंज कर दिया करो डिक्रीजिंग में, जैसे ये एक्स स्क्वेयर इधर है, ठीक है, तो आपको पता है एक्स स्क्वेयर किधर आना चाहिए, इधर, और कॉन्स्टेंट बाद में आना चाहिए, तो इसी तरीके से हमने इसको लिख दिया। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो देखो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ करते हैं, ये अंदर रखेंगे पी एक्स, एक्स फोर प्लस में ज़ीरो एक्स क्यूब प्लस में ज़ीरो एक्स स्क्वेयर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स, दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो गया बहुत। देखो ये ना आप YouTube पे जब देखते हो ना, तो वीडियो पिक्सल जो है ना वो 480p पे सेट कर दिया करो, ठीक है। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि वीडियो साफ़ नहीं है, वो एक्चुअली क्या होता है इस टाइम में लॉकडाउन में क्या हो रहा है, इंटरनेट की स्पीड भी थोड़ी डाउन की हुई है, तो आप जो है YouTube की उसमें सेटिंग में जाओगे ना, तो वीडियो पिक्सल वो आप सेट कर लो कितना 480p पे, तो वीडियो साफ दिखाई देगी, ठीक है। तो देखो ये क्या है हमारे पास, इधर जी एक्स ये वाला रखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस टू, बस अब तो बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन। देखो इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, ये एक्स फोर है और इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, माइनस का एक्स स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर इससे कटेगा तो इधर टू बचने वाला है, तो एक्स स्क्वेयर, और ये नीचे माइनस था तो ये माइनस यहाँ लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर, अब किससे, इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वेयर और अंदर ये वाली टर्म रखो ब्रैकेट के, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस टू, इससे ईजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना, ऐसे रखो ना। तो देखो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स फोर होगा, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में, ऐड हो जाती है, जैसे एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर है ना, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस का एक्स स्क्वेयर टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स स्क्वेयर बनेगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या आएगी टर्म, देखो एक्स फोर और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का टू एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये माइनस का टू एक्स स्क्वेयर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि एक्स क्यूब वाली टर्म तो यहाँ से बनी नहीं, तो इसको लिखा क्यों है। देखो चाहे नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ एक्स स्क्वेयर और प्लस में एक्स और प्लस टू होता, तो यहाँ प्लस अगर एक्स होता ना, ठीक है, तो फिर यहाँ एक्स क्यूब वाली टर्म भी आती, वो तो बाई चांस जी एक्स में है नहीं एक्स, अगर वहाँ एक्स होता ना और एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करता तो एक्स क्यूब भी आता, समझ रहे हो इस बात को। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। तो ये माइनस का टू एक्स स्क्वेयर हमने यहाँ रख दिया, अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस वाला माइनस होगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल, जीरो एक्स क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई टर्म यहाँ बनी भी नहीं है, ठीक है, तो ना ही नीचे बनने वाली है, तो इसको छोड़ देंगे। अब इधर देखो ये प्लस 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 और टू में ज़ीरो ऐड करो, टू ही बनेंगे, तो ये प्लस का क्या आ गया आपके पास, टू एक्स स्क्वेयर माइनस का फाइव एक्स और प्लस का सिक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये टू एक्स स्क्वेयर जो है, ये टू एक्स स्क्वेयर और इधर से माइनस का एक्स स्क्वेयर, ऐसे करेंगे, ये देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, टू बचा और नीचे माइनस था तो ये माइनस का टू हो गया, तो मैं यहाँ लिख दूँ कितना, माइनस का टू, ठीक है। और अब इस माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एक्स स्क्वेयर और प्लस टू से, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, टू एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस माइनस एंड टू टू ज़ा फोर, तो ये आ गया आपके पास, देखो टू एक्स स्क्वेयर और माइनस फोर है तो ये सिंगल वाली की वैल्यू के नीचे जाएगी, इस तरीके से कॉन्स्टेंट वाली के नीचे जाएगी, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इस तरीके से लगाएंगे, ये कैंसिल, क्या बचा इधर, माइनस का फाइव एक्स और ये प्लस प्लस कितना हो रहा है आपके पास, सिक्स और फोर टेन, तो ये टेन आ गया, ठीक है जी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चनट आ गया, ये आंसर हो गया एक, तो और ये क्या है आपके पास, रिमाइंडर है, ठीक है जी। आया समझ में क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, क्लियर।
तो इनको ध्यान से करो, प्रैक्टिस करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।